नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रिपोर्टर लाइव में हम अपने तमाम संवाददाताओं से लेंगे दिन भर की खबरों की बड़ी जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमीन झापरोवा 4 दिवसीय दौरे पर भारत आई हुई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत वास्तव में दुनिया का विश्व गुरु है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दिनकर आनंद। रूस और यूक्रेन के जारी युद्ध के बीच यूक्रेन की उप विदेश मंत्री भारत दौरे पर पहुंची। आपको बता दें कि 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक विदेश मंत्री भारत के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वह राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के साथ मुलाकात करेंगी और कई अधिकारिक ऑफिसर्स और अनऑफिशियल्स भी उनके साथ बातचीत होगी। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत का पक्ष बेहद ही न्यूट्रल रहा है। भारत ने लगातार रूस से विपन और तेल इंपोर्ट किए हैं, भारत ने उसके साथ लगातार ट्रेड भी किए हैं, तो इस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ यूक्रेन से आई विदेश मंत्री को भारत से काफ़ी उम्मीदें हैं कि भारत उनकी मदद करेगा, तो दूसरी तरफ रूस की भी निगाहें भारत पर टिकी है। वहीं यह दौरा बेहद अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जो बाइडेन की नज़र भी इस दौरे पर है। जो बाइडेन लगातार रूस के खिलाफ बयान दे रहे हैं, अमरीका और नाटो लगातार रूस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत का पक्ष बिल्कुल न्यूट्रल है, चाहे वो यूक्रेन हो या चाहे वो रसिया हो, तो इस लिहाज से बेहद अहम दौरा माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरे में कई तरीके की बात होगी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान बातचीत होगी। कैमरा पर्सन निकांत के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। राजस्थान लंबे समय से सियासी तबीज से झुलस रहा है। सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट बगावती तेवर दिखा रहे हैं। पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन का ऐलान कर दिया है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक बार फिर से बगावत तेवर ऐलान लिया है। बता दें कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठने की तैयारी कर ली है। सचिन पायलट ने कहा है कि सरकार के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी नीति नहीं अजमाई जा रही है, जिससे पार्टी का संकट गहराया गया है। सूत्रों की माने तो पायलट के मामले में औला कमान ने सख्त रुख अपनाते हुए संदेश दिया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि पूरे मामले पर हाईकमान की नज़र है। राजस्थान के प्रभारी राघव को इस मामले में बात करने की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सचिन पायलट के मुद्दे पर कहा है कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो वो प्रभारी से कहें। खेड़ा ने आगे कहा, राजस्थान में आने वाले बीजेपी के बड़े नेता गजेंद्र शेखावत पर संजीवनी मुद्दे पर मामला चल रहा है। हमारे MLA को खरीदने की कोशिश करके चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश भी जाँच चल रही है। रविवार को 9 अप्रैल को राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने एक बार फिर से अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पायलट ने गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाया है। पायलट ने कहा है कि अगर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो वो गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठेंगे। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सचिन पायलट को सवालों के समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट कांग्रेस के एजेंट हैं, अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। सचिन पायलट के सवालों के दम हैं। उनका कहना है कि हमारे नेता राहुल गांधी केंद्र में अडानी के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस पर केंद्र सरकार को घेरा हुआ है और हम भ्रष्टाचार खुद कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। वहीं सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से बगावत देखने को मिली। सचिन पायलट ने साफ रुख कर लिया है कि आखिरकार जब तक कांग्रेस जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उनके खिलाफ नहीं उतरती है तो वो अनशन पर तैयार रहेंगे। लेकिन सचिन पायलट को देखते हुए जैसे ही उन्होंने अनशन की घोषणा की थी तो कांग्रेस पार्टी जो है घबराते हुए नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा है कि आखिरकार जब तक सरकार नहीं सुनती है तो अनशन जारी रहेगा। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, राजस्थान। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में करण महरा अपना 1 साल पूरा कर चुके हैं। 1 साल में करण महरा के सामने कई चुनौतियां थी। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में करण महरा अपना 1 साल का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं। इस 1 साल के कार्यकाल में उनके सामने चुनौतियां बहुत सारी थी कि पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं को मनाना है। 2 साल से जो पार्टी लगातार चुनाव विधानसभा का हार रही है उससे जो पार्टी के कार्यकर्ता हतोत्साहित हो रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना है ताकि आने वाला चुनावी वर्ष एक बार फिर कांग्रेस पार्टी जीत सके और बड़े चुनावों में बड़ी जीत हासिल कर सके। इस 1 साल में करण महरा ने बखूबी उस काम को यहाँ पर निभाया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने का काम किया है, नई जिम्मेदारियों के साथ युवाओं को आगे लाने का काम किया है ताकि पार्टी 24 का रन जीत सके और निकाय चुनाव में भी बड़ी फतह हासिल कर सके। कैमरामैन नचना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। भगौड़े अमृतपाल सिंह का साथी पपली
पप्पल प्रीत सिंह पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार हो गया। जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता जूही सिंह। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश में जुटी पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अमृतपाल के करीबी और सहयोगी पप्पलप्रीत को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जब से अमृतपाल गायब हुआ है और उसके वीडियोस जो है एक एक कर सामने आए हैं, तब तब जो पप्पलप्रीत को है उसके साथ देखा गया है। आपको बता दें कि पप्पलप्रीत उसका दाहिना हाथ माना जाता है। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह और उसके साथियों पर 18 मार्च को कार्रवाई की थी और इस दौरान पुलिस ने उसके सैकड़ों साथियों और समर्थकों को गिरफ्तार किया था। हालांकि अमृतपाल अपने कुछ करीबियों के साथ भागने में सफल हो गया था। इसके बाद से पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह की तलाश में जुटी है। वह लगातार अपनी लोकेशन जो है वो बदल रहा है। अमृतपाल के अलग अलग जगहों से सीसीटीवी भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती है अमृतपाल तब तक अपना ठिकाना बदल लेता है। भगोड़े अमृतपाल के साथ इस दौरान उसका सहयोगी पप्पलप्रीत भी साय की तरह नजर आ रहा था, लेकिन अब पुलिस ने पप्पलप्रीत को गिरफ्तार कर लिया है। इसे पंजाब पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। पप्पलप्रीत सिंह को अमृतपाल का मेन हैंडलर बताया जा रहा है। अमृतपाल इसे अपना मेंटर मानता है। वह अमृतपाल का मीडिया सलाहकार भी है। जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि पप्पलप्रीत पंजाब में खालिस्तान खड़ा करने के लिए जो है वो आईएसआई के सीधे संपर्क में था। वह राज्य में जो है हिंसा और तरह तरह के जो अवैध कारनामे हैं उसमें संलिप्त रहा है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अतीक की फैमिली से किनारा कर लिया है। मायावती ने फरार पति शाइस्ता का टिकट काट लिया है। पूरी जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता दिनकर आनंद। माफिया अतीक अहमद को बहुजन समाजवादी पार्टी से तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद की बीबी शाइस्ता प्रवीण उमेश पाल हत्याकांड होने के बाद से लगातार फरार चल रही है और अब तक इस मामले में शाइस्ता के साथ खड़ी रहने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है। मायावती ने ऐलान करते हुए कहा कि यूपी नगर निकाय चुनाव में मैं अतीक अहमद के किसी भी करीबी या उनकी पत्नी को टिकट नहीं दूंगी। हालांकि ये मामला तब सामने आया, मायावती का प्रेस कॉन्फ्रेंस तब सामने आया जब यूपी नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की गई। वहीं आपको बता दें कि मायावती ने यह भी कहा कि प्रयागराज में हुए हत्याकांड के बाद स्थिति और परिस्थिति बदल चुकी है। उनकी सदस्यता को लेकर भी कहा कि उनकी गिरफ्तारी के बाद तय होगा कि वो बसपा में रहेंगी या नहीं रहेंगी। वहीं मायावती ने इस दौरान कहा कि बीएसपी पूरी जोर आजमाइश के साथ निकाय चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। उन्होंने इस चुनाव में ईवीएम और बैलेट पेपर का जिक्र एक बार फिर से छेड़ दिया। मायावती ने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर पे होने चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी कल कहा था कि चुनाव बैलेट पेपर पे होने चाहिए। इसी के साथ आज जो अटकलें चल रही थी लगातार कि अतीक अहमद की बीवी को मेयर चुनाव का टिकट मिलेगा, उस पर मायावती ने अपना रुख सामने रखा। इसके साथ ही अब ये भी क्लियर हो गया है कि अतीक अहमद का भाई अशरफ की पत्नी को भी टिकट नहीं मिलेगा। कैमरा पर्सन निकांत के साथ मैं दुनकर आनंद, इंडिया वॉइस। दो साल पहले देश में आई कोरोना महामारी से दुनिया भर में कोहराम मच गया था। एक बार फिर से कोरोना ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जानकारी दे रही हमारे संवाददाता दीक्षा चौधरी। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं जिसको लेकर केंद्र सरकार ने भी हाई अलर्ट हो गई है। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले बैठक की थी जिसको लेकर सभी राज्यों को कोरोना को लेकर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। देख, राज्यों में एक मॉक ड्रिल कराई जा रही है ताकि कोरोना को लेकर जो भी मामले सामने आ रहे हैं उन पर समय से रहते उन पर ध्यान दिया जा सके। वहीं आज बीते 24 घंटे में कोरोना के 5000 से अधिक मामले सामने आए जिसको लेकर राज्य सरकार समेत केंद्र सरकार लगातार उस पर अलर्ट बनाए हुए है। जिसको लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सूचना जारी की है ताकि अस्पतालों में जाकर मॉक ड्रिल करें और कोरोना को लेकर सतर्क रहें। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। चारधाम यात्रा में लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने, व्यवस्थाओं को लेकर सरकार अलर्ट है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता भेकेंदुरा। उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इस चारधाम यात्रा की तैयारियां जोर शोर से इस समय चल रही है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष लगातार धामों का दौरा कर रहे हैं।
यात्रा की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों की समीक्षा बैठकें की जा रही है। लगातार शासन स्तर पर भी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार की जो यात्रा होगी वो रिकॉर्ड और ऐतिहासिक यात्रा यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि पूर्व की तुलना में इस बार तैयारियाँ सरकार की बेहतर है। समय से पहले इन तैयारियों को करने का दावा यहाँ पर कर लिया गया था और अब उम्मीद यह है कि 22 अप्रैल से जो चारधाम यात्रा शुरू होगी उसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और उत्तराखंड का जो आतिथ्य सत्कार का जो भाव है उस भाव को अपने मनों में लेकर जाएंगे। उनकी जो व्यवस्थाएं होंगी यात्रियों के लिए उस सरकार की तरफ से बेहतर करने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। कैमरामैन हर्षनाथ, अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। सिद्धार्थनगर में एक जिंदा विधवा महिला को कागजों में मृत घोषित करने का मामला सामने आया है। बता दें, बीडीओ और ग्राम पंचायत अधिकारी ने ग्राम प्रधान के कहने पर महिला को मृत घोषित किया है। जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता राकेश यादव। लोटन विकास खंड के नेतवर गांव का एक मामला सामने आया, अजीबो गरीब मामला सामने आया है, जबकि एक जीवित महिला को मृत घोषित कर दिया ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने। जब महिला अपने को जीवित साबित करने के लिए जो है तहसील दिवस में पहुंचती है तब उसे पता चलता है और अपने बारे में लोगों को बताती है। जब ये मामला मीडिया के सामने पहुंचा तो मीडिया बात करते हुए जिलाधिकारी से बात किया तो जिलाधिकारी ने कहा कि मामला संज्ञान में है, इसे जांच कराई जाएगी, जांच करा के जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब उसका पेंशन भी रुक गया है तो वो दर दर की ठोकरें खा रही है, अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। अब देखने की बात यह है कि जिलाधिकारी ने कहा, आश्वासन दिया, कब उसको न्याय मिलती है। अब देखने की बात यह है कि महिला जबकि जीवित है, अपने को जिंदा साबित करने के लिए वह कार्या हाथ में दबती ली है, कार्य कि साहब मैं अभी जिंदा हूँ, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी नींद अभी तक सो रहा था, अभी तक उसको न्याय तक नहीं मिला। अब वो तहसील दिवस में पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई, अब वह न्याय के लिए दर्द की ठोकरें खा रही है, जबकि उसके वो बच्चे भी हैं और अपने बच्चों का उसका पति भी नहीं है और अपने बच्चों का उसी पेंशन के पैसे से जो है भरण पोषण भी करती थी, लेकिन अब उसे न्याय कम मिलती है तो देखने की बात है। सिद्धार्थनगर के नेतवर गांव का मामला है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज। उन्नाव में एक युवती ने खुद को आत्मदाह करने का प्रयास किया है। बता दें कि युवती ने पड़ोस पर कार्रवाई ना होने से नाराज है, जिसके चलते महिला ने एसपी ऑफिस पहुंचकर आत्मदाह का प्रयास किया है। जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता निखिलेश प्रताप सिंह। उन्नाव के एसपी ऑफिस में युवती ने आत्मदाह का किया प्रयास। जी हां, आपको बता दें कि उन्नाव के एसपी ऑफिस में युवती ने आत्मदाह का प्रयास किया, हालांकि मौजूद वहां पुलिस बल ने फौरन युवती को कब्जे में ले लिया और उसके पास से जो ज्वलनशील पदार्थ था उसको भी बरामद कर लिया है। जी हां, आपको बता दें ये युवती उन्नाव के काशीराम की रहने वाली है और पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने से नाराज थी, जिसके चलते आज वो अपने परिजनों के साथ उन्नाव के एसपी ऑफिस में पहुंची और उसने आत्मदाह का प्रयास किया, लेकिन मौजूद वहां पुलिस बल ने फौरन युवती को रोक लिया है। आपको बता दें ये युवती पहले भी आत्मदाह का प्रयास कर चुकी है, यह उन्नाव के काशीराम चौकी क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली है। इसने पहले भी आत्मदाह का प्रयास किया था और इसकी पड़ोस के ही रहने वाले एक युवक से रंजिशन लड़ाई चल रही है, जिसको लेकर उसने पुलिस को तहरीर भी दी थी और पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने से वो नाराज है। हालांकि युवती का जो पिता था वो भी वहां पर मौजूद था और दिव्यांग है, उसने भी जमकर हंगामा काटा। वहीं फौरन पूरे एसपी ऑफिस में हड़कंप मच गया। सीओसीटी और एसपी सिद्धाशंकर मीना मौके पर आ गए और युवती से बातचीत की है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में किस तरह से कार्रवाई करती है। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निखिलेश प्रताप सिंह। जौनपुर में सरकारी देशी शराब की दुकान पर महिलाओं ने जमकर हंगामा काटा। महिलाओं ने हंगामा शराब की दुकान बंद कराने के लिए किया है। पूरी जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर के सहगंज कोतवाली क्षेत्र के हाजी रफीपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया कि जब गांव की महिलाओं ने देसी शराब की दुकानों पर पहुंच जमकर हंगामा किया। महिलाओं का आरोप है कि आए दिन उनके परिवार के लोग शराब पीकर घर में महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं और इसी को लेकर महिलाओं ने जमकर हंगामा किया और देसी शराब की दुकानें पर ताला जड़ दिया। वहीं महिलाओं की हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुड़ गई है। वहीं पुलिस जो है महिलाओं को समझाने बुझाने के प्रयास में कर रही है। हालांकि जो है आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और विधायक रमेश सिंह के आश्वासन पर जो है महिलाओं को गुस्सा शांत हुआ है और पुलिस जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही। पूरा मामला जो है शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के हाजी रफीपुर गाँव का बताया जा रहा है। वहीं
पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो कई थानों की फोर्स भी मौके पर पहुंच गई थी। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। सीतापुर में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार आ रही बस ने पटरी दुकानदारों को रौंद दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहित मिश्रा। आज एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, ये पूरा मामला सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर सीतापुर से एक रोडवेज बस लखनऊ के लिए जा रही थी। जब वापस कमलापुर कस्बे को क्रॉस करती है तो बड़े चौराहे के पास वह अनियंत्रित हो जाती है। अनियंत्रित होते ही बस सर्विस लेन में घुसती है, जिसमें पटरी दुकानदारों को रौंदते हुए आगे निकलती है। उस घटना में 3 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है और 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस घटना की सूचना कस्बावासियों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कस्बेवासियों की मदद से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए 2 लोगों को सीतापुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। आपको बता दें, ये पूरा मामला कमलापुर थाना क्षेत्र के NH24 का है, जब एक बस अनियंत्रित हुई और डिवाइडर से टकराकर सर्विस लेन में घुसी और पटरी दुकानदारों को रौंदते हुए ये हादसा हो गया। इस हादसे में मौत के साथ साथ अन्य बहुत सारी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है। मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। हमीरपुर में शॉर्ट सर्किट से खेतों में भीषण आग लग गई है। आग लगने से करीब 150 बीघा फसल जलकर खाक हो गई है। पूरी जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। उस समय अफरा तफरी मच गई जब हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के इंगोटा गांव में फसल काट रहे किसान थे जो, और वहीं जो बगल में करीब 150 बीघे पर फसल खड़ी हुई थी और कुछ कटी हुई रखी हुई थी, तो अचानक उस पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और वहाँ जो गेहूँ था और लाही आई चने आना कईयों चीज़ों की फसल बोए हुए थे किसान, अचानक आग लगने से पूरी फसल तबाह हो गई और मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है, आग को बुझाने पर पूरा काबू करती है। आग जब बुझती है तो किसानों के चेहरे मुरझा जाते हैं और वहीं जिला प्रशासन की टीम पहुंचती है और जांच करती है किसानों को कितना नुकसान हुआ, इसके बाद जो भी नुकसान होगा किसानों को दिया जाएगा। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। आगरा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मयंक त्यागी। में बदमाश लगातार कार्रवाई सामने आ रही है, वहीं मुठभेड़ जैसे मामले जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं अपराधियों के बीच खौफ पैदा हो जाता है। वहीं आपको बता दें कि आगरा के हरिबरवल पुलिस व SOG टीम के द्वारा 2 बदमाशों के बीच में मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जिसमें प्रमोद नाम के कुख्यात, जिस पर करीब 25 से ज़्यादा दर्ज हैं और कई थाना क्षेत्र में वो स्ट्रीट शीटर के नाम से फेमस है, वहीं उसके साथ ही सुरेंद्र के साथ मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जिसमें प्रमोद और सुरेंद्र को गोली लगी है। पुलिस ने प्राथमिक इलाज के लिए उनको अस्पताल में भेजा गया है। वह कहीं ना कहीं आगरा पुलिस की ये बड़ी जा रही है। वहीं प्रमोद के कारनामे की अगर बात की जाए तो 25 से ज़्यादा आपराधिक इतिहास वाले मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज है। पुलिस आगे की कार्रवाई करते हुए इनको इलाज मुहैया करा दिया गया है और कहीं ना कहीं इस तरह के उदाहरण से आगरा पुलिस बदमाशों के बीच में एक खौफ पैदा करती दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ में मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा। रायबरेली में दबंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर पड़ोस के रहने वाले परिवार पर जानलेवा हमला किया। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता राजू तिवारी। जहां एक उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश व आदेश दिए गए हैं और अपराधियों को चिन्हित करके उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन रायबरेली जिले में अभी भी दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं और अपराधी लगातार क्षेत्र में सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं। ताजा मामला रायबरेली जिले के भदोखर थाना क्षेत्र का आया है, जहाँ एक गाँव में रहने वाले व्यक्ति के घर में घुसकर कुछ दबंगों ने जमकर तांडव व उत्पात मचाया। वहीं इस घटना के दौरान 4 लोग महिला समेत गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको परिजनों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां पर गंभीर हालत होने के बाद डॉक्टरों के द्वारा जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि पीड़िता अर्चना त्रिपाठी ने आरोप लगाते हुए बताया है कि गाँव के ही एक दबंग के द्वारा, जो अपराधी किस्म का है, उसके द्वारा लगातार
इस तरह की कृत्य किए जाते हैं और दबंगई का माहौल कायम करते हुए लोगों में भय पैदा किया जाता है उसके द्वारा। तो उसने आरोप लगाते हुए महिला ने बताया है कि कुछ दिनों पूर्व उसके एक व्यक्ति के साथ जो है कुछ कहा सुनी हुई थी, जिसके दौरान गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने अचानक घर में घुसकर जमकर लोगों को मारा व पीटा, जिससे गंभीर रूप से 4 लोग घायल हो गए हैं। तो इस तरह से दबंगों के आगे पूरी तरह से देखा जा रहा है कि खाकी भी नतमस्तक दिखाई पड़ रही, और कार्यवाही की बात करें तो कार्यवाही न करके मात्र खाना पूर्ति कर रही, जिसके कारण दबंगों का आतंक व भय क्षेत्र में व्याप्त होता दिखाई पड़ रहा है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। अमरोहा में दबंगों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक युवक के गले में रस्सी डालकर बेरहमी से पीट दिया गया। पूरी जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। अमरोहा में दबंगों का कहर देखने को मिला है, जहां पर मामूली बात पर दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से रस्सी से बांधकर बुरी तरह पीटा है, जिसके बाद वो पीड़ित दबंगों से रहम की भीख मांगता है, लेकिन दबंग बेरहमी से उसको पीटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव मोहनपुर का है, जहां पर मामूली बात पर दबंग लोगों ने एक युवक को बुरी तरह से रस्सी से बांधा, उसको बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने हरकत में आकर 4 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया और कार्रवाई करने की बात की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से दबंग किस्म के लोग रस्सी से बांधकर एक युवक को बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटा जा रहा है, जो अपनी रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन दबंग उसके बर्बरता दिखाते हुए उसको मारते हुए नजर आ रहा है। वही सारे मामले में थाना अध्यक्ष निशांत राठी ने जानकारी देते हुए कहा कि इसमें 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्द ही पुलिस इनमें 4 की तलाश में जुटी है, जल्द ही इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। हम वहां से इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और कुशीनगर में एक बार फिर पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। बता दें, मुठभेड़ के दौरान एक पशु तस्कर के पैर में पुलिस की गोली लग गई। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अवधेश मल। कुशीनगर पुलिस और पशु तस्करों के बीच लगातार मुठभेड़ हो रही है। आधा दर्जन से ज्यादा बार मुठभेड़ हो जाने के बावजूद भी पशु तस्कर अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। आज भोर में एक बार फिर पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। एक मिनी ट्रक पर 18 गोवंशी पशुओं को लादकर पशु तस्कर विपद के लिए बिहार ले जा रहे थे। वध प्रतिबंधित होने के बावजूद भी इन पशुओं को वध के लिए पशु तस्कर ले जा रहे थे। सूचना पुलिस को किसी तरह से मिल गई और पुलिस ने पशु तस्करों को तमकोही राज के हरिहरपुर पड़ाव अड्डे के पास घेर लिया। दोनों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक तस्कर घायल हो गया, उससे पैर में गोली लग गई। दूसरे तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद घायल तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराई। बता दें कि दोनों पशु तस्कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले के निवासी हैं। इंडिया वॉइस के लिए कुशीनगर से उदेश मल। संभल में प्राइवेट डॉक्टर से इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद डॉक्टर की लापरवाही से नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। पूरी जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सतीश सिंह। हम आपको बताते चले कि पूरा मामला जनपद संभल के चंदूसी कोतवाली क्षेत्र के एक प्राइवेट अस्पताल का है, जहां पर एक मरीज के लिए जो 8 माह की बच्ची थी उसे भर्ती कराया गया है, और जब डॉक्टर की लापरवाही से उस बच्ची के लिए ड्रिप लगा दी गई और बच्ची की 2 घंटे बाद मौत हो जाती है, तो परिवार वालों ने वहां पर हंगामा शुरू कर दिया गया है और मौके पर पुलिस पहुंची। पहुंचने के बाद में पुलिस ने जब मामले समझाने का प्रयास किया तो महिला के परिवार वालों का आरोप है कि जिस डॉक्टर अतुल डॉक्टर का कहना है कि जो मरीज आते और जाते और मरते रहते हैं, हमने इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था, तो इसी को लेकर के परिवार वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। और हंगामा शुरू करने के बाद में ये भी आरोप लगाया है कि बच्ची को बुखार आ रहा था और ड्रॉप लगा दिया गया था। जब डॉक्टरों की जो है लापरवाही सामने सफा सफा नजर आ रही है, जब बच्ची को ज्यादा तेज बुखार था तो उसका चेकअप की जगह उन्होंने सीधा डायरेक्ट बोतल चढ़ा दी गई, तो बच्ची की जो है पेट फूलने के कारण मौत हो गई है। पुलिस प्रशासन का ये भी कहना है कि परिवार वाले तहरीर देंगे तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन देर रात तक यही परिवार वालों का और पुलिस का ड्रामा चलता रहा। जो महिला के जो बच्ची की दादी थी वो बेहोश हो गई और जमीन पर जाकर गिर पड़ी,
गिर पड़ने के बाद में वहाँ पर अधिकारी ज्यादा संख्या में मौजूद हो गए, और लेकिन डॉक्टर जो है दबाव बना रहे थे महिला के जो पति पर। उनका कहना था कि जो है जो बच्ची खत्म हुई है उसके पैसे ले लीजिए और आप ये मामला ही रफा रफा कर दीजिए। ये भी मामला सामने आता है कि जिस तरीके से पत्रकार वहाँ मौजूद थे और पत्रकारों के साथ में भी जो डॉक्टर हैं उन्होंने अव्यवहार किया और उन्हें वहाँ वीडियो बनाने से रोका गया था। इसी को लेकर के जब मामला पुल पकड़ता गया और जब लगातार मामला जो संज्ञान में आया तो वहाँ CO मौके पर पहुंचे और पहुंचने के बाद में बच्चे के सबको कब्जे में लेकर के PM को भेजा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरे सहयोगी प्राणी ठाकुर के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज, संबल। तो फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।